हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे मदर्स डे के लिए स्पेशल कार्ड बहुत ही सिंपल वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो इस कार्ड बनाने के लिए मुझे चाहिए इस तरह का एक पेपर, एक ग्लू, एक स्केल, एक सीजर और एक मेन पेपर। किसी भी कलर का आप ले सकते हो, आप न्यूज़पेपर से भी बना सकते हो। कुछ इस तरह का साइज़ होना चाहिए और इसे हमें फोल्ड कर लेना है। एक इस तरह का शेप होना चाहिए जिसमें हम लोग अपने हैंड रखेंगे। तो चलिए आप सभी अपने हैंड इस तरह से अपने पेपर पे रखिए और हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सा कार्ड। तो इस तरह से हाथ रखने के बाद ध्यान रहे जो लिटिल फिंगर है वो हमारे कॉर्नर में होना चाहिए और इस तरह से हम स्केच पेन की हेल्प से अपने हैंड को ड्रॉ करेंगे पेपर के ऊपर। वाओ, ये देखिए कितना अच्छा सा हैंड बन गया ना। इसी तरह से आपको भी पेपर के ऊपर हैंड बनाना है और इसे हमें सीजर की हेल्प से कट कर देना है। थोड़ा बहुत अगर ड्रॉ करते समय गड़बड़ हुआ होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जब उसको कटिंग करेंगे तो वो सेट करते हुए कट करेंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो के पूरे एंड तक मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये कार्ड बन करके कैसा आता है। तो ये देखिए, हमें इस तरह से कट करना है और जो लिटिल फिंगर है ना उसके साइड्स में हमें बस इतना ही कट करना है और ये पोर्शन को छोड़ देना है। ये वाले पार्ट को हम जुड़ा हुआ ही छोड़ देंगे और इसे हमें कट नहीं करना है। तो ये देखिए, जब मैंने इसे ओपन किया इसके अंदर मैंने कुछ इस तरह से ड्राइंग करके रखा था। आप भी इस तरह से ड्राइंग कर सकते हो, बाहर से भी किसी भी कलरफुल पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। अब अंदर में हम एक हार्ट लगाएंगे, उसके लिए मैंने देखिए कलरफुल पेपर लिया है और इस तरह से हम उसे शेप हार्ट के शेप में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पहले से ही कट करके रखा था कुछ इस तरह से, है ना। इस तरह के आप कलरफुल पेपर्स ले सकते हो और हर हार्ट का शेप में कट कर सकते हो। सारे साइज आप थोड़ी वैरी रखें, यानी कि एक बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, और इस तरह से हमें इसे फोल्ड करके रखना है। एक दूसरे के ऊपर हमें इसे सेट कर लेना है। अगर आपका ये एक ही साइज का रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, मैंने हार्ट को इस तरह से सेट कर दिया है और इसके बीच वाले पार्ट को हमें प्रेस करते हुए, ये देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए दबाना है। आप हैंड से भी कर सकते हो या फिर स्केल की हेल्प से भी कर सकते हो। तो ये देखिए, हमारा हार्ट कितना अच्छा लग रहा है ना। अब हैंड के बीच में हमें इसके बीच में ग्लू लगाना है और इस तरह से चिपका देना है। तो ध्यान रहे, वो सबसे पहले जो हार्ट रहेगा वो चिपकेगा एंड बाकी के हार्ट को हमें एक एक करके एक दूसरे के ऊपर ग्लू लगाते हुए चिपकाते रहना है। तो ये देखिए, ये सेकंड हार्ट है, इसके बीच में भी हम ग्लू लगाएंगे और बिल्कुल बीच में हम इसे चिपका देंगे। तो सारे हार्ट को मैंने अच्छे से चिपका दिया है। अब इसे हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, दोनों साइड से हमें प्रेस कर लेना है। और इस तरह से प्रेस करने से जब हैंड को आप ओपन करोगे तो एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा हार्ट सामने आएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा बन गया ना। अब इस पे हम लिख देते हैं आई, सेकेंड में लिखेंगे एल ओ, बीच वाले पोर्शन को हार्ट को छोड़ देंगे वी ई और लास्ट वाले में यू लिखेंगे। और जो बीच वाला हार्ट बच गया है उस पर हम लिखेंगे मॉम। वाव, ये देखिए, और हैंड को जब हम ऊपर से हम लिख देंगे हैप्पी मदर्स डे,
और मैंने बिल्कुल सिंपल सा वे में आपको बताया है बना करके। इसे आप अपनी मनपसंद ग्लिटर से, स्केच पेन से, कलर से, वाटर कलर से, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो उससे आप इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो बन गया ना बिल्कुल स्पेशल मदर्स डे के लिए कार्ड। तो आप कल अपनी मम्मी को ये स्पेशल सा कार्ड बना के दीजिएगा और आपकी मम्मी हो जाएगी बहुत खुश। तो ये देखिए, आई लव यू मॉम। इसी तरह से आप न्यूज़पेपर से भी कटिंग करके स्कूल के प्रोजेक्ट्स में भी दे सकते हो और बीच में हार्ट लगा सकते हो। तो आपके पास अगर पेपर्स नहीं है कलरफुल तो आप इस तरह से न्यूज़पेपर से बना सकते हो। बन गया ना बिल्कुल स्पेशल सा कार्ड मिनटों में। होप आप लोगों को मेरा आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।